Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You are watching Counting Kilometers. Sir, इसके आगे आप बोलोगे? मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया सर को ना कि दोपहर को 12:30 बजे ये हालत है हमारी. Well, if this is your first time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can do that by simply clicking the subscribe button and the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos and to keep in touch with us in real time. अभी तो आपको पता है क्या करना है. Just follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right here on the screen. Anyways, right now we are here in Kolkata. और जहाँ हम हैं वो प्रॉपर्टी मुझे आपको दिखानी है. रीज़न बीइंग दो डोर से इस प्रॉपर्टी को. पहले तो ये डोर आप देखो, इसके हाइट से बनाए पता नहीं, मैं खुद 6.25 फुट हूँ एंड द डोर इज़ समथिंग 10 फिट प्लस. कौन से ज़माने में किसके लिए बनाया था पूछेंगे रिसेप्शन पे जाके. एनीवेज, देयर इज समथिंग इंटरेस्टेड आउटसाइड ऑफ दिस डोर एंड देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग जस्ट बिहाइंड द लेंस. सो पहले इस तरफ देखते हैं. सो राइट आउटसाइड द प्रॉपर्टी, ये जो नीचे स्ट्रीट है दैट इज द खाऊ गली. And look at the peculiar Kolkata streets and Kolkata mansions. By the way, उसके पीछे जो दिख रहा है ना आपको, that thing, that is the tallest tower in Kolkata. It's called as 42, but it is 46 stories. अभी ऊपर के चार भगवान के लिए छोड़ दे शायद, पता नहीं. And now we'll go towards the other side of this property. यहाँ पे एकदम vintage वाला feel है. Just have a look. So this is a hotel property. किसी का घर नहीं है. So quiet. This is actually a YMCA property in Choringi area near the Esplanade. बहुत सही property है. I've loved it. And the rooms are superb. Well, anyways, आधा दिन तो property में room में रेस्ट करने में चला गया है. नाउ इट्स टाइम टू मूव आउट. फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रोल अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता. देखेंगे अगर ट्राम या मेट्रो यूज़ करने मिला तो वो भी ट्राई करेंगे. बिकॉज या आई हैव बीन टू कोलकाता मेट्रो विच इज़ द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो इन इंडिया, बट उस टाइम पर वो नॉन एसी थी और अभी अभी पता चला है कि दे हैव नाउ टर्न टू फुल एसी कोचेस. तो वो भी ट्राई करेंगे. ट्राम अगर वर्किंग कहाँ मिली तो वो भी ट्राई करेंगे. चले सर, सोना है थोड़ी देर. येलो टैक्सी भी. अच्छा, येलो टैक्सी भी. ओके, या येलो टैक्सी इज द व्हाट यू कॉल आइडेंटिटी ऑफ कोलकाता नाउडेज. इनफैक्ट सिर्फ वो एम्बेसडर वाली और कोई नहीं. इडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में तो जाने नहीं दिया. दे हैव स्टॉप द गाइडेड टूर्स फॉर सम रीज़न. बट इडन गार्डन स्टेडियम इज नेम्ड आफ्टर दिस पर्टिकुलर गार्डन. दिस इज द इडन गार्डन्स और इस गार्डन के बाजू में क्रिकेट स्टेडियम है. यू कैन सी ओवर देयर. नेक्स्ट आफ्टर द ईडन गार्डन्स
उसके सामने ही वाटर फ्रंट है, हुगली रिवर का पूरा प्रोमनेड बना हुआ है. इट्स अ नाइसली मेड प्रोमनेड. सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ी सर्दी हो गई है ड्यू टू कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ वेदर्स. यहाँ अभी जिस तक जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कोलकाता के दो मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स दिख रहे हैं मुझे. आई शो यू दिस वन फर्स्ट. इट्स एक्चुअली द आइडेंटिटी ऑफ कोलकाता. कैन यू सी? दैट्स द हावड़ा ब्रिज, द आइकॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कोलकाता. एंड ऑन द अदर साइड यू हैव द मॉडर्न वर्जन ऑफ द सेम. That's the Vidyasagar Setu. ये दोनों bridges कोलकाता की पहचान है. And that's the Hooghly River behind me. It's just a river. और उसमें boats की size देखो. As I said, we were simply strolling around the streets without any plan, without any fixed destination. And I believe that's when you find the best places. राइट नाउ वी आर हियर एट द प्रिंसिप घाट. और जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से उसी विद्यासागर सेतु का जो नज़ारा है. वी आर सिटिंग राइट अंडर द ब्रिज. और अभी जो लाइटिंग कंडीशंस है ना, इसकी फोटोज़ इतनी बढ़िया आ रही है. आई हैव गॉट सम ग्रेट फोटोग्राफ्स. अभी एक फोटो दिखाता हूँ आपको. फोटो जस्ट हैव अ लुक. By the way, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. यू कैन टेक अ बोट राइड. मस्ट बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मज़ा आएगा ना. एक तो ये नदी नदी जितनी छोटी नहीं है, और उसमें बोट में घूमना बहुत सही एक्सपीरियंस होगा. यहाँ पे तो इंडियन नेवी का भी एक हॉवरक्राफ्ट खड़ा है. So apparently they use it for security also. Anyways, it's getting towards the evening time. यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी होता है. And we've got some nice places to cover. Mainly, up next now we are going for a tram ride. Nilesh sir, tram तो बनता है. Tram बाकी है. कुंदन लेके नहीं जा रहा है. कुंदन घुमा रहा है. मैंने promise किया है आज के दिन में एक बार तो आपको tram में चढ़ाऊँगा. And I'll live up to that. Finally, after walking around 8 kilometers, Nilesh sir ko thoda sa aaram. So we are at the tram station. Abhi roadside block kar raha hu to itna shor to hoga hi. It's expected to arrive in 10 minutes. Let's wait for the tram now. सबसे पहले तो बात करते हैं जो पोपट हुआ उसके बारे में. 45 मिनट्स वी वर वेटिंग फॉर द ट्राम. 45 मिनट वहाँ बैठने के बाद ट्राम तो आई नहीं. फिर बस से निकले. बस कंडक्टर के साथ बंगाली और हिंदी का जो कन्फ्यूजन हुआ उसमें हम लोग 1 किलोमीटर आगे चले गए बस से उतरने के लिए. तो फिर वो 1 या 1.5 किलोमीटर चल के आना पड़ा. बट द गुड थिंग, आपने जो अभी फुटेज देखा वो फुटेज बस आपको दिखाने के लिए था, क्योंकि वापस आते वक्त ट्राम डेपो पे गए थे. तो ट्राम डेपो में एक ट्राम देखने मिली, उसमें चढ़ते वक्त वो फुटेज लिया था. सो दैट्स ऑल द फुटेज दैट यू कुड सी. सो दैट्स इट फ्रेंड्स. जो भी है कोलकाता में जितना आज घूम सके. साइट सीइंग एज सच कुछ ज़्यादा तो किया नहीं. जस्ट वी टुक अ स्ट्रोल अराउंड द स्ट्रीट्स, और उसमें जो भी दिखा पाया आपको दिखाने की कोशिश की. बिकॉज इट्स अ टाइट शेड्यूल, और आधा दिन तो रेस्ट करने में गया, और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फिर यहाँ से 10 दिन आगे राइड करना है. इनफैक्ट टुमारो मॉर्निंग वी आर लीविंग एट 6:30, और यहाँ से भुवनेश्वर विच इज़ 470 किलोमीटर्स वो डिस्टेंस कल कवर करना है. इट्स अ बिग राइड, ह्यूज राइड, और अभी सिर्फ 50% हुआ है. सो इट्स नॉट दैट द राइड इज़ ओवर. तो और भी एपिसोड्स आते रहेंगे यहाँ से अभी मुंबई पहुँचने तक. रोज़ का कवरेज, रोज़ की राइड के हैपनिंग आपको दिखाता रहूँगा. पर अभी के लिए इतना ही रखते हैं. कल सुबह बाइक पे फिर मिलेंगे कोलकाता से भुवनेश्वर की राइड करते वक्त. तब तक के लिए कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.
By the way, ये place, throttle shuttle, जहाँ पे इन्होंने हमें बुलाया, 30 किलोमीटर्स है अपने स्टे लोकेशन से, 30 किलोमीटर्स, मतलब मीटअप इतने दूर रखता है कोई?